कुछ हम असावधानियां करते हैं अज्ञान पूर्वक पितृपक्ष में, उसमें एक असावधानी अज्ञानता हमारी तरफ से ये होती है जिससे कि फिर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, वह है एकादशी को श्राद्ध करना। ये अपराध है, ये दोष है। जिनके माता पिता की मृत्यु का दिन हो एकादशी, तो वो माता पिता का श्राद्ध या किसी भी अपने पितर का श्राद्ध, दादा दादी परदादा परदादी अर्थात कोई भी हो, एकादशी को यदि उनकी तिथि हो तो एकादशी को श्राद्ध न करके द्वादशी को ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को अन्न देना खिलाना भी दोष है। प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक मानव को एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि एकादशी को श्राद्ध करोगे तो खाएगा कौन? ब्राह्मण तो ग्रहण नहीं करेंगे एकादशी के श्राद्ध को, वो तो व्रत करते हैं, वो तो तुम्हारे चावलों की खीर नहीं खाएंगे। यदि आप कहें कि फलाहार बना देंगे तो इसका नियम है कि पितरों को फलाहार नहीं, चावल की खीर प्रिय है। और जब पिंडदान दिया जाता है वो कोई फल का नहीं होता, अन्न का होता है। पिंडदान फल का ना हो करके अन्न का हुआ करता है। इससे हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए, संस्कार एकादशी को न करके द्वादशी को करना चाहिए, क्योंकि उस समय पिंडदान जो दिए जाते हैं जहां पर अर्थी रखी होती है, पहला पिंडदान वहां देते हैं, फिर आगे पिंडदान रास्ते में दिया जाता है, फिर जहां संस्कार होता है वहां भी पिंडदान दिया जाता है, वो अन्न के पिंड होते हैं, आटे के होते हैं, तो उस समय अन्न का दान करना दोष माना गया है। पितृ भी एकादशी करते हैं, देवता भी एकादशी करते हैं, एकादशी को अन्न को निंदित माना गया है। निंदित अन्न का ना पितृ और ना देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए एकादशी को हमारे यहां यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी को संस्कार न करें, क्योंकि संस्कार करते समय पिंडदान दिए जाते हैं जो कि अन्न के होते हैं, तो इसलिए द्वादशी को ही संस्कार करना चाहिए। एक दिन डेड बॉडी को घर में रखें, द्वादशी को ही संस्कार करो। कहा भी है एकादशी को किसी की मृत्यु हो भाग्यशाली है, और द्वादशी को उसका यदि संस्कार हो तो भगवान के द्वार उसके लिए खुले मिलते हैं। यदि आप लोगों को लगता हो कि हम ये बात पहली बार सुन रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है शास्त्र का, इसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, आप सुनिए। उत्तरखंड पद्म पुराण, एकादश्याम यदा राम श्राद्धम नैमित्तिकम भवे तद्दिने तु प्रित्यज्य एकादशम साधमाचरेत। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भगवान राम को पद्म पुराण में कि हे राम, यदि एकादशी को श्राद्ध पड़ जाए अर्थात पितृ का मरण दिन हो तो तद्दिने तू परित्याज्य, तद्दिने उस दिनों परित्याग कर श्राद्ध का, और द्वादश्याम श्राद्ध माचरे, द्वादशी के दिन श्राद्ध करे। ये पद्म पुराण में आगे भी लिखा हुआ है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादश्याम तु प्राप्तायम माता पित्रो मृते हनी द्वादश्याम तत प्रदातव्यम नोपवास दिने क्वचित। कहा कि एकादशी को यदि माता पिता की मृत्यु का दिन हो, माता पित्रो मृते हनी यदि उनकी मृत्यु का दिन एकादशी को हो तो द्वादश्याम तत प्रदातव्यम अर्थात द्वादशी को ही श्राद्ध का दान करें पितरों के लिए। नोपवास दिने क्वचित अर्थात कभी भी उपवास के दिन अर्थात एकादशी के दिन श्राद्ध न करे। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है एकादशी यदा नित्य श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत अर्थात एकादशी के दिन नित्य व्रत, एकादशी के दिन यदि नैमित्तिक श्राद्ध आ जाए तो उपासम तदा कुर्याद द्वादश्याम श्राद्धमाचरेत, वो एकादशी के दिन का प्रत्याग करके द्वादशी के दिन ही श्राद्ध करे। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है।
और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि मैं कुर्वंती महीपाल श्राद्ध एकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता प्रेत कहा। लिखा हुआ है कि यदि हे राजन, यदि एकादशी के दिन कोई श्राद्ध करता है, एकादशी के दिन यदि कोई श्राद्ध करता है, त्रयस्ते नरकम यान्ति, उनको नार की यंत्रणा प्राप्त होंगी, अर्थात कष्ट प्राप्त होंगे जो एकादशी को श्राद्ध करता है। तीनों कौन कौन? दाता भोक्ता प्रेत कहा। दाता का मतलब श्राद्ध करने वाले को भी पाप लगता है, उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, और भोक्ता अर्थात जो ब्राह्मण एकादशी को भोजन करते हैं उनको भी दोष लगता है, और प्रेत कहा अर्थात जिस पितर के लिए ये एकादशी को हम श्राद्ध कर रहे हैं उस पितर को भी दोष पहुंचता है, उनको भी कलेश पहुंचता है। इसलिए हमको एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान, मैंने पुराणों की कई उदाहरण आपको दिए हैं। यहाँ तक लिखा हुआ कि एकादशा मुनि श्रेष्ठ श्राद्धे भुक्ते नरो, यदि यदि कोई एकादशी को श्राद्ध करता है और भोजन करता है तो प्रतिग्रासम से भुक्ते तु किल विषम मूत्र विनमय, उसको प्रत्येक ग्रास के साथ में पाप लगता है और मूत्र विनमय अर्थात मल मूत्र खाना जितना अपवित्र है, इतना अपवित्र व्यक्ति हो जाता है श्राद्ध का भोजन करके करा के। तो मैंने कितने उदाहरण दिए अनेक ग्रंथों से, तो इसलिए एकादशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए।